आरंभ से ही राजा भोज की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वे गंभीर स्वभाव के थे। उनकी बुद्धि की धाक जम गई थी। एक बार उनके पिता विक्रम के दरबार में उसके पड़ोसी राजा ने 3 मूर्तियां भिजवाई और उनसे निवेदन किया कि वे एक मूर्ति अपने पास रख लें और बाकी दोनों मूर्तियां वापस कर दें। विक्रम को जब उन 3 मूर्तियों का फर्क समझ नहीं आया तो उन्होंने राजकुमार भोज से उनका राज जानना चाहा। राजकुमार भोज ने उसी रात्रि में ही उनका राज मालूम कर लिया। उन्होंने बाकी दोनों मूर्तियां लौटा दी और एक मूर्ति अपने पास रख ली। उन्होंने अपना दृष्टिकोण एक सम्मेलन में रखने का आश्वासन दिया। दूसरे दिन जब सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन्होंने अपना दृष्टिकोण सभासदों के सामने रखा। सभासदों को उनके बयान पर पूर्ण भरोसा नहीं हुआ, अतः उन्होंने अपना पक्ष सिद्ध करने के लिए उस मूर्ति के कान में एक लकड़ी डाली तो वह बाहर निकल गई। उन्होंने अपना तर्क देते हुए कहा कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए जो किसी चीज को अपने अंदर नहीं रख सकते हैं और बाहर निकाल देते हैं। ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो लोग किसी चीज को जानने पर भी अपने मन में रख लेते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं, ऐसे लोगों को अपनाना चाहिए। उनके तर्क ने लोगों को आश्चर्य में डाल दिया और सभी लोग स्तब्ध रह गए। पैरा, बच्चों को बचपन से ही कुछ न कुछ शिक्षा मिलने लगती है। इतिहास में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं। अभिमन्यु को भी अपनी माँ के गर्भ से शिक्षा मिली थी, लेकिन समय के हेरफेर के कारण आज हमारे बच्चों को घर में उस तरह की शिक्षा नहीं मिलती है। हमें उनकी शिक्षा के लिए शिक्षा संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे देश की प्राचीन प्रथा के अनुसार पहले विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती थी। बच्चों की मानसिक प्रगति को ध्यान में रखते हुए शिक्षा काम के द्वारा मिलती थी। यह शिक्षा बच्चों को घरों में ही मिल जाया करती थी और अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग ऋषियों और मनीषियों के आश्रमों में जाया करते थे। ऋषि आश्रमों में सब तरह की शिक्षा का अध्ययन होता था, यहाँ तक कि धनुष बाण चलाने
की शिक्षा भी मिलती थी। राम ने इस कला में वही प्रवीणता प्राप्त की थी। हम देखते हैं कि पांडवों को भी धनुष बाण की शिक्षा द्रोणाचार्य ने दी थी, लेकिन आज ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है जो बच्चों को संस्कृति का भान कराते हुए आज की आधुनिक शिक्षा का भी पान कराए। मुझे प्रसन्नता है कि आपकी संस्था के कर्णधारों ने कई वर्षों से इस दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है और आपकी सेवा से लोग प्रसन्न हैं।